बिजली आपूर्ति चरमरा जाने पर ग्रामीणों की शिकायत पर माले पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने अपने समर्थकों के साथ तीसरी विद्युत सब स्टेशन कार्यालय में अधीक्षण अभियंता के नाम 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। बिजली आपूर्ति आगामी 13 अगस्त तक सुधार नहीं की गई तो भाजपा माले पार्टी विद्युत कार्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करेगी। तीसरे गांव लक्ष्मीपुर व रानी डी सब स्टेशन में 12 मेगावाट बिजली आपूर्ति होती थी, अब मात्र 3 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो रही है, जिसके कारण रात रात भर बिजली गुल रहती है और बिजली विभाग के अधिकारी उपभोक्ताओं पर बिजली बिल मनमाने तरीके से भेज रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उक्त बातें आवेदन देकर कहे श्री यादव ने कहा कि बिजली उपभोक्ता को बिजली का बोझ बढ़ा है और बिजली आपूर्ति चरमरा गई है। लोग इस समस्या से परेशान हैं, सुखाड़ की मार से परेशान हैं, वहीं लोगों को सही से बिजली नहीं मिल रही। इन्होंने कहा 12 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो, किसानों को अलग फीडर की व्यवस्था हो, 20 घंटे बिजली मिले और गद्दर में पावर ग्रिड को चालू की जाए, इन सभी मांग को पूरा की जाए। मौके पर मदन यादव, विश्वेश्वर यादव, कारू यादव, छोटी यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। किनका कमजोरी? सबसे बड़ा हमारे यहाँ के सांसद तो पूरे देश के होते हैं। हम पूछते हैं अंशु चंदन की हत्या हुई है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, यदि ये संसद में उठाते, बाबूलाल मरांडी यदि नीतीश कुमार के पास पत्र लिखते और जाके मिलते, क्योंकि एनडीए की वहाँ सरकार है, तो जरूर अंशु और चंदन का हत्यारा भी गिरफ्तार होता और उनके परिवार को इंसाफ मिलता। लेकिन इन लोगों को सिर्फ वोट से मतलब है, इनको राशन में कटौती हो रहा है या बिजली में कटौती हो रहा है, ढिबरा बंद है, महंगाई बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इनसे इन लोगों को कोई चिंता नहीं, क्योंकि इन लोगों को जानता है कि हिंदू मुस्लिम करके हमको वोट मिल जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए जनता को इस बात को समझना होगा कि अब हमको हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ करके महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, दमन और जो है सो रोजगार के लेकर के लड़ना है और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकना है।